हेलो दोस्तों, बैचलर कुकबुक में आप लोग का स्वागत है। करेला तो हर कोई खाने में हिचकिचाता है, लेकिन आज ऐसे करेला चिप्स बनाएंगे जो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेला चिप्स आज की स्पेशल। 250 ग्राम करेला लिया, तो अब इसको काटते हैं। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है कि ज़्यादा मोटा नहीं करना है, थोड़ा मीडियम से भी थोड़ा सा मोटा करना है। ये देखिए इस साइज का। जो करेला चिप्स है ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। ऐसे भी करेला बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको इस तरफ अच्छा से मिला लेंगे। मिला के इसको 10 मिनट छोड़ देने का। 10 मिनट छोड़ने का कारण ये है कि इसमें से नमक लगने के बाद इसमें जो करेला में जो पानी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो निकल जाएगा इसमें से, तो इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। देखिए करेला का हमने नमक में भिगा के रखा था, 10 मिनट हो चुका है। अब देखिए इसमें पानी निकल गया है, तो आप ये पानी को निकाल देने का निचोड़ के। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है करेला में। अब निकाल के एक प्लेट में रखिए, इस तरह करेला से पानी निकल जाता है नमक में भिगा के रख 10 मिनट छोड़ने के बाद। तो ये पानी निकालने का रीजन ये है कि हमारा जो करेला चिप्स है ये अच्छा से कुरकुरे बनेगा, तो ये जो प्रोसेस है ये करना थोड़ा ज़रूरी है। अब मैंने इसमें पानी सारे निकाल दिया हूँ करेला का। अब इसमें हमने ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे 3 ये बड़ा चम्मच है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। और ये 1 चम्मच मैदा है, थोड़ा सा इतना, 1 चम्मच से भी हाफ, उससे हाफ थोड़ा बेसन। और हमने यहाँ पे धनिया 1 चम्मच, धनिया पाउडर, जीरा और लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और ये तिल है। तिल जो है चिप्स में, करेला का चिप्स में बहुत ही टेस्ट देता है। और नमक आपने पहले से इसमें करेला में जो डाल के छोड़ा था 10 मिनट, तो नमक आप थोड़ा थोड़ा सा देना है, कम, टेस्ट के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना दे सकते हैं। अब इसको अच्छे से
मिक्स कीजिए। ये जो कोट है करेला का ऊपर, ये प्रॉपर अच्छा से होना चाहिए। इसमें अगर आप आधा चम्मच से भी थोड़ा कम पानी ऐड कर सकते हो, नहीं है तो थोड़ा टाइम छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं तो हम थोड़ा सा, एक चम्मच, देखिए एक चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया। ऑयल हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आपको जो पसंद है वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो उसके बाद करेला इसमें डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं पहले दो चार जो कड़ी लीव्स है, कड़ी पत्ता, वो डालूँगा, क्योंकि कड़ी पत्ता का जो खुशबू होता है वो बहुत ही लाजवाब है। ये तेल गर्म हो गया, अब ये एक डालिए। हमारा करेला चिप्स अब फ्राई हो चुका है, अब रेडी है बन कर। देखिए इस तरह में देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा करेला चिप्स। इस तरह रेसिपी बनाइए और मजा लीजिए।